डॉक्टर चौबे, आप तो चीन से हमारे साथ हैं। चीन से तो खबरें ही नहीं आती सर, वहाँ तो ना डेमोक्रेसी है, ना वहाँ पर फ्री मीडिया है, ना तो वहाँ से कोई आप कम्युनिकेशन के फ्री साधन है। सर, चीन में क्या वाकई, अगर चीन में कोरोना वायरस उस तरह से नहीं फैला जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला, तो चीन की भूमिका संदिग्ध है, और अगर चीन में फैला तो चीन ने छुपाया तो चीन की भूमिका संदिग्ध है, वहाँ पर क्या हालात हैं कोरोना वायरस के सर? देखिए, यहाँ भी केसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ केसेस बंद हो गए हैं। यहाँ भी 30, 35, 10, 15, 25, 50 रोज केसेस आते हैं, और हम लोगों को अलर्ट भी मिल जाता है कि इस एरिया में हमें नहीं जाना है। और इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले से ही मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं कि अगर अब मैं शंघाई में हूँ, शंघाई काफ़ी बड़ा है, 150 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो अगर शंघाई के किसी एयरपोर्ट के पास या किसी दूसरे एयरपोर्ट के पास अगर कोई भी मतलब अगर 4-5 केसेस पकड़े जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली अलर्ट मिल जाता है कि, और ऐप भी बता देती है कि आप नहीं। लेकिन डॉक्टर चौबे, बहुत अच्छी बात है, चीन ने इतनी बड़ी सख्ती की है, लेकिन ये सख्ती तो अमेरिका ने भी की थी, ये सख्ती तो यूके ने भी की थी, लॉकडाउन तो भारत के 25 राज्यों में भी लगा हुआ है, उसके बावजूद आप जिन 35 केसों की बात कर रहे हैं इनका कोई कंपेरिजन नहीं है दूसरे देशों में आ रहे केसों से? नहीं, देखिए, यूएसए में आपने तो शुरू में उन लोगों ने तो मास्क लगाना और इन सब चीजों को फॉलो ही नहीं किया, और उनका जो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो था ही नहीं, इसलिए जो हालत यूएस का हुआ और उसके बाद ब्राजील का आपने देखा, हर जगह पे मतलब वहाँ पे बेसिकली हमारा एक एज ए सोशल रोल, ऐसा अगर बीमारी है तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने भी न्यूज दिखाया हमें कि हमारे यहाँ कालाबाजारी चल रही है, रेमडेसिविर की चल रही है वैक्सीनेशन की, वैक्सीन को बिना लगाए रिपोर्ट दिए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ और न्यूज आ रहा है लाशें लोग बहा दे रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है इंडिया में भी, तो वो चीजें आप जितना हाईलाइट करेंगे, और ये सब चीजें हो रहा है क्योंकि हमारी अपनी खुद की बिहेवियर है। तो जब तक नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चाइना ने अपने लोगों को इतने अच्छे तरीके से सिखा दिया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पालन किया कि एक देश में बगल में 3-4 लाख केस आए और चाइना में मात्र 35 केस आए, और हम केवल ये मान लें क्योंकि चाइना बहुत अच्छे तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहा है इसलिए वहां केस आ रहे हैं, ये बात गले से बहुत ज्यादा उतरती नहीं है? एक छोटा सा कमेंट अशोक सर आपका, फिर मैं एक बड़ी खबर दिखाऊंगा, बच्चों पर वैक्सीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अशोक सर, आपके गले के नीचे उतरती है ये बात? नहीं, मुझे भी देखिए बहुत समय से ये मेरे सामने प्रश्न उठता रहा है, और मेरे विचार से जो भी दुनिया में है लोग उनके सामने ये प्रश्न उठता रहा है। और अभी जो आपने जो हवाला दिया है गौरव, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आई है, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पूरी दुनिया में आ गया है, जो 2015 से चीन इसके ऊपर शोध कर रहा था, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कर रहा था, तो इससे देखिए काफ़ी हद तक ये मालूम चलता है जो चाहे जानबूझकर या अचानक बिना अनइंटेंशनली ये वायरस है ये रिलीज हो गया है, परंतु चीन ने उसके विरुद्ध, क्योंकि चीन ने ही उसको इन्वेंट किया है, तो उसके विरुद्ध जो एंटीडोट होना चाहिए, उसके कैसे जूझना चाहिए, उसका भी उन्होंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से शोध किया होगा, उसको भी आगे वो लेकर आए होंगे। तो मुझे तो ये लगता है जो ये कहना जो भाई पूरी दुनिया में, देखिए केवल भारत में नहीं, ठीक है अमेरिका में शुरुआत में मास्क नहीं पहनते हो, परंतु अब तो वो मास्क पहनते हैं, अभी भी कोई वहां पर जो आप दिन का आंकड़ा देखिए तो वहां पर 34-36 हजार है वहां की पॉपुलेशन, बिल्कुल वहां पर चीन की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।